ये जो फीस आपको बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये तो अलग अलग फीस है जो इसमें वीजा स्टाम्पिंग होता है, इमिग्रेशन होता है, तो इसके हिसाब से टिकट पड़ता है। आप ये समझिए कम से कम 15,000 रुपये रखिए, अगर यहाँ से जा रहे हो 15,000, 14,000 या 20,000 या 22,000 तक टिकट आप रखिए कम से कम पड़ता है। तो मिनिमम हम लोग 18,000 पकड़ के चलते हैं, 18,000 रुपये आपका टिकट का पड़ जाएगा यहाँ से। अगर आप जैसे हम लोग यहाँ लखनऊ से जा रहे हो तो 18,000, अगर आप लोग नहीं जानते हो कि ऑफिस कहाँ मिलेगा, कौन से ऑफिस से वीजा लेना चाहिए, कौन सा ऑफिस अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस फ्रॉड भी पड़े हुए हैं, जो कि आप जाते हो वहाँ से उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑफिस ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहाँ से ऊपर बड़े ऑफिस से वीजा ले आपको थमा दिए, कुछ भी बोल के भेज दिया आपको यहाँ से। अब जब पकड़ोगे आप तो उनको ही पकड़ोगे, बड़े ऑफिस को क्या जानते हो आप, इससे वीजा लिया था उन्होंने, ये बात हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 में सऊदी अरब जाने का खर्चा कितना बैठ सकता है इसमें। ये 2023 में मैंने आपको बताया भी था, कई सारे वीडियो मैंने बनाए कि इतना इतना खर्चा बैठेगा इसमें 2023 में जाने में, 2024 में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या कितना कितना खर्चा बढ़ सकता है, क्या क्या होगा, कौन कौन से स्टेप में आप जाओगे यहाँ से, क्या क्या होगा आपका यहाँ पे, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको आज की वीडियो में। अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब के खर्चे के बारे में, कितना कितना खर्चा आपको बैठेगा, कौन कौन से स्टेप में, इमिग्रेशन कितना खर्चा बैठता है, वीजा स्टैम्पिंग कितना खर्चा बैठता है, मोफा कितना खर्चा बैठता है, मेडिकल का कितना खर्चा बैठता है, मेडिकल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है, और बाकी आगे आपका फ्लाइट का टिकट कितना खर्चा बैठता है, सब कुछ आपको आपको बताने वाला वीडियो में। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिर बदलाव क्या क्या हुए हैं इसमें। तो बदलाव की अगर बात करेंगे हम लोग तो कुछ खास बदलाव अभी नहीं हुए हैं, बट जो हुए हैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बदलाव हुआ था जो वीज़ा चेंज हुआ है, जैसे अभी A4 साइज़ के पेपर में वीज़ा आ रहा है, पहले क्या था वीज़ा पासपोर्ट स्टाम्प क्या आता था, अभी A4 साइज़ के पेपर में आपको वीज़ा मिलता है। ये तो बदलाव 2023 में हुआ था, फिर कोई मान लो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको बदलाव होकर, करीब करीब मेरे ख्याल 6 महीने जरूर हो गए, अभी मई में या जून के अराउंड में इसका जो है वीज़ा A4 साइज़ के पेपर में आना चालू हो गया था, ठीक है। अभी जो बात आती है दूसरा बदलाव कौन सा हुआ है, दूसरा बदलाव दोस्तों ये हुआ कि जो सऊदी अरब मेडिकल खर्चा होता है, पहले जाने में कितना होता था 5,500 रुपये लगता था, अभी क्या होता है 6,000 रुपये लगता है पूरा। आपको साइड में एक फोटो दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये फोटो, इसमें दिखाया हुआ सऊदी कितना खर्चा बैठेगा, नया खर्चा है मतलब जो न्यू मेडिकल हो रहा है उनका खर्चा है, सऊदी का, ओमान का, दुबई का, कतर का, सब उसमें बता हुआ कितना कितना खर्चा बैठेगा, ठीक है, पेपर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये दूसरा बदलाव हुआ है, खर्चा इतना बैठेगा इसमें। अब तीसरा बदलाव कौन सा हुआ है, तीसरा जो अभी हाल ही में लागू हुआ है आप लोग को दिखा देता हूँ फिर से एक फोटो, आप लोग साइड में देख सकते हो इसकी फोटो, इसमें देखिए लिखा हुआ कि अभी जो नए वीजा स्टाम्प हो रहे हैं सऊदी अरब के लिए, उसमें है ना जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होता है वो भी रिक्वायरमेंट हो रही है सऊदी अरब की तरफ से, कि जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उसमें जरूर चाहिए, जो बंदा जिसका वीजा स्टाम्प होगा उसको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना जाना पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है सेंटर इसका, लखनऊ भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दोगे उसके बाद में आपका वीजा स्टाम्प हो जाएगा आगे, ठीक है, तीसरा बदलाव है। और कुछ चेंजेस खास नहीं हुए इसमें दोस्तों, बाकी यही चेंजेस हुए। अब बात आती है कि कितना कितना खर्चा बैठेगा कौन कौन से काम में। सबसे पहली बात है जब आपका वीजा मिलता है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ठीक है, नहीं इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपका सीवी सिलेक्शन पे वीजा लग रहा है सीवी आपकी होगी, उसके बाद में आपका गमका निकलेगा, गमके की जो फीस पड़ती है वो $10 होती है, $10 होती है अमेरिकन डॉलर, ठीक है, $10 का मतलब समझ सकते हो आप, अभी 83 के अराउंड डॉलर चल रहा है, तो 830 रुपये होगी गमके की फीस, बट क्या होता है 1,000 रुपये आपकी फीस पड़ती है, जो ऑफिस वाला कोई भी काटेगा गमका आपका निकालेगा गमका, वो आपकी गमके की फीस अराउंड 1,000 रुपये लेता है वो, ठीक है। अब उसके बाद गमके के बाद आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल को आपको बता ही दिया, अगर सऊदी का आप कराने जा रहे हो तो पहले 5,500 पड़ता था, अभी आपका 6,000 पड़ेगा, ठीक है, 6,000 हो 1,000 या 7,000 रुपये हो गई, ठीक है, 7,000 रुपये आपकी फीस हो गई, ठीक है, 7,000 में आपका मेडिकल होके वहाँ से आएगा, मेडिकल होके आने के बाद वहाँ से जब आपका आप मेडिकल और अपना पासपोर्ट सब अपने ऑफिस में दोगे जमा करोगे वहाँ पे, उसके बाद में आपका वीजा स्टैम्पिंग के लिए जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। जब वीजा स्टैम्पिंग के लिए जाएगा तो वीजा स्टैम्पिंग की फीस जो पड़ती है वो 10 से 12 हज़ार रुपये लेते हैं उन लोग ऑफिस वाले, आपको बताएंगे नहीं वो लोग अलग अलग कि इतनी फीस पड़ी इसकी पड़ेगी, बट उसमें ना सब ऐड कर देते हैं टोटल, ठीक है, वीजा स्टैम्पिंग की फीस लेंगे 10 से 12 हज़ार रुपये। अब आप समझिए हालांकि 10-12 हज़ार नहीं पड़ती है, वो अंडर में 10,000 के अंडर ही रहती है, बट ये उन लोग ऑफिस वाले उसमें ऐड कर लेते हैं इतनी इतनी फीस की, ठीक है, 12,000 कम से कम इसकी फीस रखी, अब 12 और 7 19,000 रुपये टोटल आपकी हो गई अभी तक का। उसके बाद में अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो इमिग्रेशन होगा, ठीक है, इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन की फीस 10,000 रुपये पड़ती है, जो ऑफिस वाले चार्ज करते हैं 10,000 रुपये चार्ज करते हैं इमिग्रेशन का मिनिमम, ठीक है, 10,000 रुपये चार्ज करेंगे वो, वो 12 7 19,000 हो गई थी, उसके बाद में 10,000 29,000 रुपये फीस हो गई इमिग्रेशन तक की। और हाँ आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जो मोफा लगता है इसका, मोफे की भी फीस पड़ती है, 1,000 रुपये फीस कटती है मोफे की, ठीक है, बट उन लोग उसमें ऐड कर लेते हैं, आपको नहीं बताते मोफा की इतनी फीस पड़ेगी और किस की इतनी फीस पड़ेगी। कोई कोई ऑफिस वाले होते हैं जो बोलते हैं आपके मोफा काटा, आपके मोफे का 5,000 रुपये लगेगा, 6,000 रुपये, अगर आप पासपोर्ट वापस मांगने जाते हो उनसे तो उन लोग आपसे ऐसे बात करते हैं कि आपका मोफा कट चुका है, आपका मोफा का 5,000 रुपये दिया है मैंने, वो आप मुझे तो फिर अपना पासपोर्ट लेके जाओ,
बड़े ऐसा नहीं होता, मोफे की इतनी फीस नहीं पड़ती, 1,000 रुपये मिनिमम फीस पड़ती है मोफे की, मैक्सिमम 1,500 हो सकती है, 1,700 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती उसकी, ठीक है। ये मोफा की फीस हो जाएगी, अब आप समझिए 29,000, वो अगर 1,000 रुपये रखेंगे, 2,000 रुपये अगर इसकी रखेंगे, 31,000 हो गई, ठीक है, 31,000 टोटल हो गया, 31,000 यहाँ तक पहुँच गया आपकी इमिग्रेशन तक, फीस टोटल आपकी 31,000 हो गई। अब बात आती है टिकट की, टिकट में कितने कितना पैसा लगता है, टिकट का मतलब ये होता है अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रेट होता है उसका टिकट का। ऐसा हुआ कि ज़्यादा भीड़ भाड़ है या ज़्यादा बंदे आ जा रहे हैं तो उसके टिकट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर नहीं कम बंदे आ जा रहे हैं तो फिर उस हिसाब से टिकट का प्राइस कम होगा, उस हिसाब से टिकट पड़ता है। आप ये समझिए कम से कम 15,000 रुपये रखिए, अगर यहाँ से जा रहे हो 15,000, 14,000 या 20,000 या 22,000 तक टिकट आप रखिए कम से कम पड़ता है, तो मिनिमम हम लोग 18,000 पकड़ के चलते हैं, 18,000 रुपये आपका टिकट का पड़ जाएगा यहाँ से। अगर आप जैसे हम लोग यहाँ लखनऊ से जा रहे हो तो 18,000 सऊदी तक का, दिल्ली से जा रहे हो तो कुछ और कम पड़ेगा, मुंबई से जा रहे हो तो फिर और कुछ कम पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 18,000 लखनऊ से मान के चल रहे, अब आप लोग जहाँ पे हो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 31,000 अपना उधर बन रहा था, अब 18,000 रुपये इसका इधर बनेगा, यानी 31, 18, 49,000 रुपये हो जाएगा टोटल फीस आपकी, 49,000 रुपये में पूरा काम आपका इधर हो गया। अब सबसे मेन बात जो आती है, पॉइंट वाली बात, आप लोग को शायद अभी अभी तक नहीं आप लोग सोचे होंगे कि मैं ये बताने जा रहा हूँ ये हो सकता है इसमें, सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा फीस जिसकी पड़ती है वो होती है वीजा चार्ज। वीजा देते हैं उन लोग, सबसे ज़्यादा चार्ज उसी का करते हैं। ये जो फीस आपको बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये तो अलग अलग फीस है, जो इसमें वीजा स्टाम्पिंग होता है, इमिग्रेशन होता है, तो इसकी फीस है। वीजा चार्ज बढ़ता है, सबसे महंगा वही पड़ता है, इतना में इतना इतनी वीजा फीस लेते हैं उन लोग। वीजा का कुछ भी लगा सकते हैं, 10,000 लगा सकते हैं, 20,000 लगा सकते हैं, 30,000 लगा सकते हैं, हालांकि वीजा फ्री आता है। आप लोग को इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता के रखा है, आप लोग की वीडियो है आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ये वीजा है, ठीक है। इसका सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, उन लोग जो वहाँ से भेजते हैं स्पॉन्सर आपका, वो उसका वीजा फीस भर के खुद भेजता है वहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पे इन लोग ऑफिस वाले चार्ज करते हैं, क्योंकि जो ऑफिस वाले यहाँ पे होते हैं इनका खर्चा लग जाता है, वीजा यहाँ तक मंगाने में, आपका स्टाम्प करने में, आपको देने में खर्चा कुछ बैठता है, तो हिसाब से उन लोग वीजा चार्ज कर देते हैं, वीजा फीस तो सबसे महंगा यही पड़ता है वीजा आपका, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को बता ही दिया कि 48,000 रुपये टोटल आपका हो गया था उधर, 49,000, ठीक है। अब ये वीजा कितने का पड़ेगा, आप अगर 20,000 का भी रखोगे तो 49, 20, 69,000 रुपये हो गया, यानी एक कम 70,000 रुपये, 1,000 कम। तो अब ये आप समझ के चल सकते हो, 70,000 में वीजा होता है, ये 1,00,000 रुपये लेते हैं, या जो एजेंट जिसे वहाँ से ऑफिस से निकला वीजा, जो बीच में एजेंट हुआ आपका, 10,000, 20,000, 12,000, 15,000 वो भी लेगा, तो 70,000, 80, 85,000 हो गया, तो वही अराउंड पहुंच जाता है, 80, 85, 90, 1,00,000, जिस हिसाब से ऑफिस वाला आगे लेगा उस हिसाब से वो आपके ऊपर चार्ज करते हैं एजेंट, ये सिस्टम होता है। तो अगर डायरेक्ट ऑफिस से आप जाके वीजा लेते तो थोड़ा और अच्छा रहता है, बट कुछ लोग होते हैं उनको प्रोसेस नहीं मालूम होता है कैसे कैसे क्या हो सकता है इसमें, कहाँ से जाके वीजा लूंगा, और ये भी सोचते हैं अगर ऑफिस से जाके वीजा ले रहा हूँ मैं तो अगर फंस गया या कोई दिक्कत हो गई वहाँ पे, काम नहीं मिला ठीक ठाक, तो मैं ऑफिस में जाके कैसे बात करूँगा, एजेंट होगा तो उससे बात कर सकता हूँ, ऑफिस जाके कैसे बताऊंगा उसको मैं, या पैसा वापस दूंगा कैसे, झगड़ा करूंगा, ये सब चीज़ें उन लोग डरते हैं और ऑफिस जाके वहाँ पे वीजा नहीं लेते उन लोग। सबसे मेन कारण जो होता है यही होता है, जो कि बंदा ऑफिस जैसा ऑफिस से जाके वीजा नहीं लेता है, ठीक है, वो डरता है कि अगर वहाँ पे मैं फंस गया, मेरा काम वो नहीं लगा जिस काम में मैं गया था, तो फिर मैं ऑफिस में जाके कैसे झगड़ा करूंगा, किससे पैसा लूंगा, उससे कैसे बात करूंगा, उससे एजेंट होगा तो सोचते हैं मैं अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कहीं गाँव का एजेंट होगा तो उससे जाके झगड़ा कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप ऑफिस से वीजा ले रहे हो तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अगर ऑफिस से जाकर वीजा लोगे तो ऑफिस के ऊपर अगर आप कंप्लेंट करोगे तो ऑफिस वाले ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से, कि अगर वो मदना मेरे ऊपर कंप्लेंट करेगा तो फिर मैं फंस जाऊँगा, से मेरा ऑफिस का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बहुत सारी बातें होती है जो उन लोग डरते हैं। तो जो ऑफिस वाले होंगे वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे जल्दी, वो आपको क्लियर बताएंगे आपका इस चीज़ का वीजा, ऐसी ऐसी बातें, आप इसमें चले जाओ। जो एजेंट होता है झूठ तो ये लोग बोलते हैं यहाँ पे जो बीच में आता है, ठीक है, सबसे मेन कारण ये होता है, पर बंदा डरता है तो क्या कर सकते हैं उसमें, आप आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, कहाँ से वीजा लेना है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो कि ऑफिस कहाँ मिलेगा, कौन से ऑफिस से वीजा लेना चाहिए, कौन सा ऑफिस अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस फ्रॉड भी पड़े हुए हैं, जो कि आप जाते हो वहाँ से उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑफिस ऑफिस खोल के बैठे हैं, वहाँ से ऊपर बड़े ऑफिस से वीजा ले आपको थमा दिए, कुछ भी बोल के भेज दिया आपको यहाँ से, अब जब पकड़ोगे आप तो उनको ही पकड़ोगे, बड़े ऑफिस को क्या जानते हो आप किससे वीजा लिया था उन्होंने, ये बात हो जाती है। तो अब आप कहाँ से ढूंढोगे कौन सा ऑफिस अच्छा है या कौन सा ऑफिस मेन पावर एजेंसी जहाँ से आप वीजा ले सकते हो। आप लोग साइड में वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो है, और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई थी, इसमें 1,225 ऑफिस की लिस्ट दी हुई थी मैंने, जो कि स्टेप वाइज अलग अलग ऑफिस थे, अलग अलग सिटी में आपके, हो सकता है नियर बाय आपके कहीं ऑफिस मिल जाए, ये भी हो सकता है, बहुत सारे इससे सब इसमें मेन पावर एजेंसी है, आप कहीं भी पता कर सकते हो, कहीं भी आग बंद करके वीजा ले सकते हो उनसे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।